जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा क्षेत्रों में एक है अनंतनाग राजौरी। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ यहां के लोग जोर शोर से अपने मुद्दे सामने ला रहे हैं। लोगों के मुख्य मुद्दे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा है, वे दोनों को सबसे जरूरी मानते हैं। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा क्षेत्रों में से एक है अनंतनाग राजौरी। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ यहां के लोग जोर शोर से अपने मुद्दे सामने ला रहे हैं। लोगों के मुख्य मुद्दे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा हैं, वे दोनों को सबसे जरूरी मानते हैं। लोगों के जो मसाइल है, कौन इस पे फोकस करेगा, कौन यहां के हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाएगा, कौन यहां के एजुकेशनल सेक्टर को बेहतर बनाएगा, कौन यहां बेरोजगारी को खत्म करेगा, कौन यहां डेवलपमेंट में ज्यादा सहायता देगा, तो लोगों की नजरें उस इंसान पे है कि जो इन चीजों को फोकस करके पार्लियामेंट में लेके इनका मुदावा करेगा, वही इंसान पार्लियामेंट में जीत सकता है। सेब की खेती यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। यहाँ के करीब 7 लाख परिवारों की रोजी रोटी सीधे इस कारोबार से जुड़ी है। सेब किसानों का कहना है कि खाद और कीटनाशकों पर कर बढ़ने से फसल की लागत काफी बढ़ गई है, लिहाजा व्यापारी सेब की खेती के लिए सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे मसाइल ये हैं, जैसे हिमाचल में सब्सिडी मिल रही है ग्रोवरों को पेस्टिसाइड्स पे, बाकी दीगर जो केमिकल यूज हो रहे हैं, जो दवाइयां यूज हो रही है पेड़ों के लिए, वैसे कश्मीर में भी हो। इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें भी वही सब्सिडी मिले, वही हमें भी बेनिफिट्स मिले, जैसे हिमाचल के या दीगर जमींदारों को बेनिफिट मिल रहे हैं। अगस्त 2019 में सेमी ऑटोनोमस स्टेटस खत्म होने के बाद से जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं है। लोग चुनाव को जरूरी मानते हैं। उनका कहना है कि वे चुनाव के जरिए अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं और उन तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। इलेक्शंस जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट है डेमोक्रेसी का, एंड विदाउट इलेक्शंस डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट। इलेक्शंस जो है, जो पावर देते हैं कॉमन मैन के हाथ में, डायरेक्टली पावर होता है इलेक्शन की वजह से, और एक कॉमन मैन इंटरवल्स पे ना अपने वोट कास्ट करके एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और विदाउट इलेक्शंस डेमोक्रेटिक सेटअप हमारे यहाँ होना पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन का होना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा कोई अभी उम्मीदवार कोई है नहीं। डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज देखिए तैमीर तरक्की बहुत कम हो रही है। इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें तैमीर तरक्की बहुत कम हो रही है, क्योंकि हमारा कोई नुमाइंदा अभी है नहीं। अगर कोई नुमाइंदा होता तो हम भी उसके आगे जाते, उससे कोई काम पूछ लेते या कोई सेटअप जो होता वो कर लेते उनसे, लेकिन अभी कोई है नहीं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इलेक्शन का होना। लोगों का कहना है कि चुनी हुई सरकार की गैर मौजूदगी में ब्यूरोक्रेसी और आम लोगों के बीच दूरी बढ़ गई है। उन्हें संसदीय चुनाव से दूरी पाटने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव इस साल अप्रैल मई में होने के आसार हैं।